नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त बता रहा हूं जो रुपेश हत्याकांड पटना का, जिस पर हाय तवा मचा हुआ है। सरकार घिरी हुई है, नेता प्रतिपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं सरकार पर। इस बीच आपको बता रहे हैं, इस मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले का CCTV फुटेज सामने आया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है कि इस मामले का CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज में रुपेश की गाड़ी जो है, जो उनकी उनके मर्डर के पहले का जो वाकया है, वो CCTV फुटेज में कैद है। हम आपको वो CCTV फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें रुपेश की गाड़ी जाते हुए दिख रही है भीड़ भड़के के बीच से। तो आप पहले CCTV फुटेज देखिए। CCTV जाना नहीं चाहिए पे। भैया सिकंदर भैया, CCTV जाना नहीं चाहिए पे। भैया सिकंदर भैया, तो देखा आपने कि CCTV फुटेज में रुपेश की वो गाड़ी, जो काले रंग की इंडिका गाड़ी है, वो कैद हुई है और CCTV फुटेज ये सामने आया है। दरअसल ये CCTV फुटेज जो है रुपेश के मर्डर के पहले का है। रुपेश सिंह जो इंडिगो में स्टेशन मैनेजर है थे पटना में, उनका कल देर शाम मर्डर कर दिया गया था। तो जस्ट रुपेश जब घर की ओर लौट रहे थे तो ये पुनाईचक मोड़ के पास की ये तस्वीर है, ये CCTV फुटेज है, जिसमें उनकी गाड़ी भीड़ के बीच से घर की ओर जाती दिख रही है। तो ये CCTV फुटेज इस वक्त सामने आया है। हालांकि पुलिस का ये दावा था कि घर के पास, यानी जो रुपेश के घर के पास जो CCTV फुटेज लगा था, उस CCTV फुटेज से भी अहम सुराग हाथ लगे हैं। हालांकि वो CCTV फुटेज फिलहाल अभी मीडिया में सामने नहीं आया है, पर उस CCTV फुटेज में बताया जा रहा है जैसा कि धुंधली तस्वीर आई है हत्यारों की, जो बाइक पर सवार होकर आए थे हत्यारे और हत्या को, वारदात को अंजाम देकर वहां से चलते बने थे आराम से। तो ये CCTV फुटेज जो घर के पास जो वारदात हुई थी, उनके घर के ठीक गेट के सामने ये वारदात हुई थी, हत्यारों ने वहां पर उन्हें गोलियां दाग दी थी उनके शरीर में। तो वो CCTV फुटेज जो आया है वो पुलिस के पास है, जैसा कि दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अहम सुराग उनके हाथ लग गया है। पर उस CCTV फुटेज में धुंधली तस्वीर है, बताया जा रहा है कि हत्यारों की तस्वीर जरूर नजर आ रही है उस CCTV फुटेज में, पर वो धुंधली तस्वीर है, उतनी साफ तस्वीर नहीं है। जैसा कि पहले खबरें आ रही थी कि वो CCTV जो है वो खराब था जो घर के पास के, पर उसमें धुंधली तस्वीरें जरूर कैद हो गई हैं। पर हम आपको इस वक्त जो CCTV फुटेज दिखा रहे हैं वो रुपेश के मर्डर से ठीक पहले का वो CCTV फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं रुपेश गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं कि रुपेश हत्याकांड में पूरे पटना में, यूं कहें कि बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और तमाम जो प्रतिपक्ष है सत्ता पक्ष के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया है। तमाम तरह के हमले किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो खुलकर आज सरकार की लानत मलामत की, खूब कहा नीतीश कुमार से कि वो इस्तीफा दे दें, उनसे सरकार चलने बनने वाली नहीं है, जिस तरह से क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये तमाम बातें सामने आई हैं। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि दरअसल जिस तरह से जो कल वारदात हुआ था, रुपेश कुमार सिंह जो इंडिगो के स्टेशन हेड थे, पटना में कार्यरत थे, उनकी कल अपराधियों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और इस मामले में पुलिस की वहां तक बात करें, उसने SIT का गठन कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि पटना से भीड़ भाड़ वाले इलाके में, महज अगर CM हाउस से देखें तो महज 2 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की वारदात हुई, तो सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले दिनों लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर बैठ के कर रहे थे, वो बार बार पुलिस मुख्यालय भी पहुंच रहे थे और पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, उसके बाद इस तरह की बड़ी वारदात बीच पटना में, बीच राजधानी में अगर हो गई तो बड़ा सवाल खड़ा करता है।
हालांकि सीसीटीवी फुटेज आया है, जरूर ये कुछ आधार बन सकता है, पर जो महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज जो बताया जा रहा है कि उस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सही से काम नहीं कर रहा था वो सीसीटीवी, तो उसमें धुंधली तस्वीर कैद हुई है। उस तस्वीरों के आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है इस मामले की जांच में। पुलिस ने यह दावा भी किया था कि उन्हें अहम सुराग हाथ लग चुका है। हालांकि अभी तक फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, किसी तरह की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है इस मामले में। पर आपको बता दें कि ये जो सीसीटीवी फुटेज था, जो अपार्टमेंट के पास वो सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर सवार दो लोग देखे गए थे। दरअसल वो जो पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, और उसके बाद से जो पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हत्या के बाद रुपेश की कार को भी पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया था, और उसके बाद जो है कार से मिली मोबाइल को भी पुलिस खंगाल रही है। ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और पुलिस अब जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिस तरह से, उससे ये लग रहा है कि इसे पेशेवर शूटर्स ने अंजाम दिया है घटना को, जिस तरह से ये घटना पेश आई है और उसके बाद तमाम हाय तवा मचा हुआ है। हालांकि घटना का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, पर सीसीटीवी फुटेज सामने जरूर आ गया है इस मामले का। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।